हेलो सभी लेडीज को आज हम नाश्ते में क्या बताएं, ये समस्या आती है, राइट? तो इसीलिए आज मैं आपको ऐसे डिश बताने वाली हूँ जो घर के सभी फैमिली मेंबर्स को हेल्दी रहेगी। चलो फिर देखते हैं। उपवास के लिए पीनट्स के लड्डू बनाने के लिए हमें ये पीनट्स पैन में रख के थोड़े भूनने पड़ेंगे। इसके लिए मैंने 200 ग्राम पीनट्स दिया है। अब हम इसे भून के लेते हैं। अब हमारे ये पीनट्स रोस्ट करके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे और उसके बाद इसका छिलका निकालेंगे। पीनट्स के इस लड्डू में हम ये काजू और बादाम भी डाल सकते हैं, इसलिए मैंने ये थोड़े से काजू और बादाम दिए हैं। उसके साथ हमें घी की जरूरत है और ये इलायची भी मैं अभी मिक्सर में डाल के पीस के लेती हूँ। और ये हमारा पीनट्स ठंडा हो रहा है तब तक काजू और बादाम हम इसे रोस्ट करेंगे। ये हमारे काजू और बादाम भी रोस्ट करके हो गए हैं तैयार। एकदम हल्का सा ही भुनना है, ज्यादा ब्राउन करना नहीं है। और मूंगफली, काजू, बादाम तीनों हमें एकदम धीमी आंच पे ही भुनना है। अब हमारे ये मूंगफली के छिलके निकाल के तैयार है। ये मूंगफली जो जॉइंट रहता है वो अलग करनी है। और उसके बाद ये देखिए, इसका ये जो ऊपर का पोर्शन है ये हमें निकाल के फेंकना है। ये देखिए, ये जो रहता है ये हमें, अगर हम खाएंगे तो हमें एसिडिटी हो सकती है, इसलिए ये पोर्शन निकालना बहुत ही जरूरी है। तो अब मैं इस पूरे मूंगफली के ये जो जॉइंट वाले पोर्शंस हैं ये मैं निकाल के फेंकती हूँ। उसके बाद हमें इसे मिक्सर से पीस के लेना है। उसके बाद ये काजू और बादाम जो हमने भून के लिए थे उसके भी मैंने छोटे पीसेस किए हैं। फिर ये घी जो है वो भी थोड़ा मैंने मेल्ट करके लिया है और इलायची के पाउडर भी तैयार है। अब ये हमारे क्रश करके मूंगफली, काजू, बादाम सब तैयार है। अब ये जितना बाउल भर के तैयार है उसके हाफ साइज में हमें ये जैगरी लेना है, यानी गुड़ लेना है। और ये सादा गुड़ लेना है, चीकी का नहीं। तो अब ये जो गुड़ है ये हमें थोड़ा सा ही पैन में मेल्ट करके लेना है। अब ये हमारा गुड़ भी पिघल के तैयार हो गया है, मेल्ट हो गया है। तो इसे ज्यादा मेल्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही करना है। इतना सा पतला हो गया तो हमें गैस ऑफ कर देना है। अब हम इसमें ये क्रश किए हुए पीनट्स और काजू बादाम डालेंगे। उसके बाद 1 चम्मच इलायची पाउडर ये लेनी है और घी जैसे लगता है वैसे हमें इसमें ऐड करना है। तो अभी मैंने 2 चम्मच घी लिया है और हमें अब ये सब मिक्स करके लेना है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। अब ये मैंने सब मिक्स करके लिया है, मगर हमें बाद में हाथ से भी मिक्स करना है। और अगर जरूरत पड़े तो हमें इसमें 1-2 चम्मच घी डालना है। पहले मैंने 2 चम्मच घी डालना था, अब और अगर जरूरत पड़े तो डालना है। अब ये हमने सब मिक्स करके लिया है। उसके बाद हमें हाथ से भी थोड़ा अच्छी तरह से ये मिक्स करके लेना है और जरूरत पड़े तो 2 चम्मच घी भी मिक्स करना जरूरी है।
पहले मैंने 2 चम्मच घी डाला था, अब वापस मैं 2-3 चम्मच घी ऐड कर रही हूँ। अब हाथ से हमें ये अच्छी तरह से ऊपर नीचे करना है ताकि ये घी पूरे मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब ये हम इसके लड्डू बना सकते हैं। अगर आप ऐसे लड्डू बना नहीं सकते हैं तो समझने का कि हमें घी डालने की जरूरत है। बस ये देखिए, ये हो गया हमारा एक लड्डू तैयार। बहुत ही इजी है। ये हो गया दूसरा लड्डू तैयार। बस इस तरह से मैं अभी बाकी भी लड्डू तैयार करके लेती हूँ। चलो फिर, अभी हमारे ये उपवास स्पेशल मूंगफली के लड्डू तैयार है। इसमें हम अगर काजू और बादाम नहीं डालेंगे तो भी चल सकता है, मगर उपवास है तो मूंगफली के साथ काजू और बादाम अच्छा लग सकता है ना?